एक शख्स जिसका नाम जीते जी कानून के सबसे बड़े गैंगस्टर के तौर पर शुमार हुआ, वो मरने के बाद अचानक गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा यानी रॉबिन हुड बन गया। जुर्म के रास्ते पर होने के बावजूद वो अपने समाज के साथ खड़ा हुआ। करीब 2 सालों तक वो पुलिस के लिए छलावा बना रहा, लेकिन फिर सन 2017 में वो एनकाउंटर को अंजाम देते हुए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में आ गया। वहीं दूसरी तरफ इसकी रॉबिन हुड वाली इमेज पुलिस और सिस्टम के आड़े आ रही थी। दोस्तों 21 महीने से फरार चल रहे आनंदपाल को पकड़ने की नाकामयाब कोशिश पुलिस पर भारी पड़ रही थी। तभी अचानक 24 जून की रात 11:30 बजे खबर आई कि आनंदपाल एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन उस रात आखिर हुआ क्या था, ये सवालों के घेरे में है। राजस्थान के चुरू जिले की रजतगढ़ इलाके के गांव मालासर में हाईवे के निकट 2 मंजिला मकान था। मकान को पुलिस और SOG की टीम ने चारों ओर से घेर लिया था। पुलिस के मुताबिक मकान की ऊपरी छत पर मौजूद था मोस्ट वांटेड अपराधी आनंदपाल सिंह। एक्शन से पहले सरेंडर की वार्निंग दी गई, मगर जवाब में आनंदपाल ने AK-47 से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस और SOG ने जवाबी फायरिंग की और आनंदपाल मारा गया। दरअसल SOG आनंदपाल के भाई रूपेश और उसके आदमी देवेंद्र का पीछा कर रहे थे। सिरसा में दोनों को SOG ने धर दबोचा। पुलिस ने रूपेश को एनकाउंटर की धमकी दी, जिसके बाद आनंदपाल का पता मिला। पुलिस ने पहले ही पूरी जानकारी जुटा ली थी कि आनंदपाल के पास AK-47 और करीब 400 राउंड गोलियां हैं। कई बार गच्चा खा चुकी पुलिस ने छत के ऊपर से मकान में चढ़कर पीछे से आनंदपाल पर 6 गोलियां दाग दी। इस मुठभेड़ में सूर्यवीर और कांस्टेबल सोहन घायल हो गए। एनकाउंटर के बाद सवाल उठे कि क्या आनंदपाल को जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था, क्या आनंदपाल को जिंदा पकड़ने की कोशिश नहीं हुई। दोस्तों याद करने वाले आनंदपाल को अपनी अपनी तरह से याद करते हैं, जैसे कि वो अपराधी जो नौजवानों को अपराध की दुनिया में ना आकर पढ़ाई पर ध्यान देने की नसीहत देता था, जो कहता था कि अपराध की दुनिया में बैक गियर नहीं लगता, जिसके फर्राटेदार गाड़ी चलाने और 150 पुशअप लगाने के किस्से बहुत मशहूर हैं। तो ये थी आनंदपाल की कहानी। हो सकता है दोस्तों कि ऐसा ही कोई किरदार या कहानी का हिस्सा आने वाले फिल्म KGF Chapter 3 में हम सभी को देखने को मिले, जहां ऐसा ही गैंगस्टर हो जो हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आनंदपाल को जिंदा पकड़ा जा सकता था या उसके एनकाउंटर के पीछे भी कोई साजिश थी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि आप भी अगर सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठा लीजिए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।